आज साढ़े प्रोग्राम में फिर साढ़े नाल ने सरदार हरिंदरपाल सिंह जी, असि उन्होंने जी आखते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जो जी। हरिंदरपाल जी, अज गल करांगे कि जेड़ा लंगर अज जगह जगह ते सिख कौम ने इस मौके ते लगाया है, जेड़ा इस टाइम सारी जगह लॉकडाउन हैगा, की लैके चलते हो कि लंगर जेड़ा हैगा, क्योंकि देखो इन्ना उत्साह और इन्ना सारा कुछ जो देखने को मिल रहा है, वो की सोच के चलते हो कि लंगर जेड़ा हैगा वे किवें इन्हां विच इन्ना जोश आ जाता है इहो जिहे मौके ते, जबकि हर जगह ते हमेशा सिखां नूं नेगलैक्ट किया जाता है और कितने ना कितने सियासत वालों और सियासतदानों वालों हर वेरे माइनस शो किया जाता है हरिंदरपाल जी। अज गल करांगे कि जेड़ा लंगर वक वक जगह ते अज नजर आ रहा है, हर जगह ते नजर आ रहा है इस आपदा दे मौके ते जेड़ा हैगा वे, एक चीज लैके चलिए कि कितने ना कितने अज मानवता की सेवा सिख कौम लंगर लगा के कर रही है, और जबकि हमेशा अगर इतिहास देखा जाए तो सियासतदाना वालों या जेडे लीडर होंगे ने उन्होंने वालों हमेशा सिखा नकारिया गया, पर फिर भी सिख कौम जी है इस लंगर वध तो वध लैके जी चलती है, उसको की कहना चाहोगे की सोचते हो? मैं लगता है कि तुहाडा क्वेश्चन बड़ा अहम है, खास करके अज दे संदर्भ दे विच जो अजकल कोरोना दा इतना ज्यादा जिहड़ी है पूरे विश्व दे विच एक टॉक ऑफ द वर्ड बनिया है, और यह भी सच है कि जिहड़ा तुहाडा सवाल है लंगर बारे कि सिखां विच ऐसी की जिहड़ा मन विच चाओ है या ऐसी की एनर्जी है उहदे विच, जदों भी विश्व दे वर्ल्ड दे किसी भी हिस्से विच या हिंदुस्तान दे किसी भी हिस्से विच कदी भी कोई बिपता आंदी है तां उदों सिख सिरमौर होके इस दी सेवा करदे ने, सिर्फ लंगर दी नहीं हर प्रकार दी सेवा। मैनू लगदा है कि इहदे पिछे गुरु नानक साहब दी जिहड़ी है वह एक शक्ति कह लवां, करामात कह लवां, एक आदर्श कह लवां, सिद्धांत कह लवां, गुरु नानक साहब का संकेत कह लवां, संदेश कह लवां कि गुरु नानक साहब ने जिहड़े असीं आम तौर पर कह दें कि सिख कौम के मोढ़ी ने, सिखिज़म के सिखी के मोढ़ी ने, उन्होंने ये प्रथा जिहड़ी है वह सारे जानते ने कि किस तरह एक साखी बनी हुई है, उस विच भी मैं ये कहांगा कि एक तां 20 रुपए वाली साखी है जी। और एक करतारपुर की गल है, तो विद्वान तो यह भी कहते हैं कि लंगर की सही मायने दे विच लंगर जिहड़ा इंस्टीट्यूशन लंगर बनया, संस्था बनया, वह करतारपुर तो बनया जदों गुरु नानक साहब चारों उदासियां ते बाद करतारपुर साहब शहर वसाया और आप अपनी किरत करके अपने हत्थां नाल खेती करके और उसका लंगर चलाया, ठीक है, और उस तो यह हुआ कि अपनी किरत कमाई विचों पैसा कढ के लंगर करना, दूसरे का भला करना, वह जिहड़ी है उत्थों लंगर दी इंस्टीट्यूशन शुरू हुई। एक गल नूं आपां समझीए कि गुरु नानक साहब ने अजिहियां कदरां कीमतां नूं प्रोत्साहित किया जिन्हां दा सरोकार मनुख दे व्यक्तित्व नाल से, मनुख दी परसनैलिटी नाल से, मनुख दे विवेकत दी उसारी नूं लैके घर बारी व्यवस्था और समाजिक चुगिरदे अते समुची लुकाई लई जिहड़ी सी ओ समाजिक ते आर्थिक जिहड़ा कल्याण जिसनूं कहिंदा है वेलफेयर जिसनूं इंग्लिश विच कह दिंदे आ, उहदी चेतना दा जो विकास करन वाला जिहड़ा गुरु नानक साहब दा जिहड़ा फलसफा सी, और उस फलसफे नूं लै के देखो कार्ल मार्क्स ने भी किरत दी गल कीती, लेकिन गुरु नानक ने किरत नाल धर्म जोड़ दिता, और जिस किरत नाल धर्म जुड़ जांदा है फिर वह जिहड़े धर्म नाल संबंधित जिहड़े लोग हुंदे ने वह फिर जिहड़ी है अंदरों जिहड़े जदों अंदरों मेहनत करके वह
पैसा कमांदे ने तो उस विच एक बड़ी गल समझ नहीं कि दो गल्लां गुरु नानक साहब ने बड़िया कमाल कीतियां, एक यूनिवर्सल वेलफेयर, एक यूनिवर्सल कंसर्न, जिवें किरत करो नाम जपो वंड छको। देखो किरत करन तो बाद जेड़ा ना नहीं जच जपदा जिन्हों परमात्मा का एहसास नहीं वंड के भी नहीं छक सकता, तो वंड के छकन का जेड़ा है ना ये वेलफेयर भी आ जाता है, ये कंसर्न भी आ जाता है। तो ये आप समझिए आम दुनिया दे विच जेड़ी चल रही है, देखो दो चीजा ने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होंगी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होंगी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जेड़ी है ये इंडिविजुअल है अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर जेड़ा करना जिसनों कह देंगे ने कि एक एक जेड़ा है व्यक्ति व्यक्तिगत सभ्याचार है और एक सभ्याचार जेड़ा है उन्हों कह देंगे ने विचारात्मक सभ्याचार या आदर्शक सभ्याचार। गुरु नानक का सभ्याचार जेड़ा है वो आदर्शक समय सभ्याचार है। एक गुरु नानक साहब ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की गल नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की गल की। माइक्रो होंगे इंडिविजुअल अपने लिए सैल्फ लिए, मैक्रो होंगे जो पूरे समाज में भी पूरे एक होंगे इनवर्ड एक होंगे आउटवर्ड। गुरु नानक की फिलोसफी जी है वह आउटवर्ड है इनवर्ड नहीं है। अज सारे मुल्क इनवर्ड से चल रहे हैं सिर्फ अपने देश तक सीमित ने अपनी कौम तक सीमित ने, लेकिन गुरु नानक का सिख जिथे जिथे बैठा वह आउटवर्ड है। वह मैक्रो इकोनॉमिक्स की गल मन में है, वह वंड चक्कन की गल करता है। तो यह मैं लगता है कि एक ऐसी इंस्पिरेशन कह लव ऐसी एनर्जी कह लव ऐसी शक्ति कह लव यह गुरु नानक साहब की एक ऐसी जी है अपनी कौम के अपनी अपने सिद्धांतों के अपनी जी है बाणी के अगर बाणी ध्यान न पढ़िए उस जगह जगह गुरु नानक साहब ने की है और ता ही मैं लगता है कि सिखा के जीन्स के जी है ये एनर्जी है जिस करके जिथे भी कितने दुख देखते हैं उत्थे पहुंच जाते। ठीक है वो आप जी की गल ठीक है कि गुरु नानक की जी सोच और सिद्धांत को लैके सिख लंगर के हमेशा रेंदे ने। पर दूजे पास देखिए कि हर देखने आया है कि हर आपदा वेले लंगर सब तो पहले सिखा ने शुरू करते हैं, लेकिन जी सियासतदान ने या लीडरशिप है या जड़िया सियासी पार्टियां ने वो कभी भी उन्होंने रेकोगनाइज नहीं करती या कभी भी उन्होंने नहीं लेंदी, क्योंकि असी हुण भी देखा जाए कि इस आपदा दे विच सरकार ने बाद चो शुरू इस दे बारे बोलना शुरू किया जबकि लंगर सिखा ने पहले शुरू करता, तो यदा की कारण तुहानू लगता है? देखो हरजोत जी ये जेड़ा तुहाडा सवाल है इहदे विच थोड़ा जिहा सियासी रंगत भी है। मैं थोड़ा जिहा हासे है मैं तो एको गल कहांगा कि आम तौर पर गुरु ने एक सानू बड़ी खूबसूरत गल कही है कि हमेशा चढ़ती कला च रहना, हमेशा मन विच चाओ जिहड़ा वह पॉजिटिव रहना चाहिए। और असी अपने आप नूं ये तो समझ दिता हाँ कि असी सिख बड़ी विकसित कौम हाँ, लेकिन ये गल भी सानू समझनी चाहिए कि कौमी विकास का अर्थ की है। कौमी विकास का अर्थ है आपसी समझ, आपसी मधुर संबंध, चंगा व्यवहार, एकता, बुद्धिमता, ये होंगी कौमी विकास की गल। पर अज जी गल मैं जी तुसी छेड़ी है मैनू जदों आस पास असीं देख रहे हैं अज तो थोड़ी जी मायूसी होंगी है कि ये जी आपसी जेडे डिफरेंसिज ने आपरी आपसी वैर विरोध ने खास करके उस समय जिस समय पूरे विश्व के जी बीमारी करोना नाँ की दहशत पई है कोई पता नहीं कि असी कल हाँ कि नहीं हाँ, उस समय भी अगर असी आपसी इस तरह दियाँ गल्लां हो रही ने मैं सच्ची मन्ना मैं बहुता सियासत पर मैं बोल नहीं सकता ना मैनू बोलना, मेरा जिहड़ा संबंध हैगा वो मेरा जिहड़ी लाइन है वो कुछ होर है, इसलिए मैं इस गल दे उत्ते मेरे मन दे विच सचमुच एक बड़ा जो है वह बोझ भी है। असी धर्म की ताजगी और सच्चाई तो टुटे हुए हैं और ये एक धार्मिक त्रासदी है, बड़ी गल समझनी वाली है। ये जिहड़ी क्रिएटिव एनर्जी जो परमात्मा ने सानू सब नू पूरी लोकाई नू पूरे विश्व विच सब नू ब्रह्मांड विच सब नू दित्ती हुई है, ये कित्थे ना कित्थे असी धार्मिक कर्म कांडा ते और व्यर्थ दे जिहड़े कर्म कांडा च खर्च कर रहे हैं।
जबकि गुरु नानक ने सानू कुछ होर सिखाया सी, तो मैं समझदा कि इहदे नाल एक गल जुड़ गई है। सानू ए ना हो जाए कि सिख जिहड़े ने सिखां दी पहचान सिर्फ लंगर तक बन जाए। मैनू कित्थे ना कित्थे लगदा है कि ए गल नहीं है, सिख गुरु नानक ने सानू स्पिरिचुअल फूड बैंक बनाया सी, असीं सिर्फ फूड बैंक बन के ना रह जाइए। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया की गल कर रहा, सानू स्पिरिचुअलिटी की गल भी जिहड़ी है उह लोकां तक सानू पहुंचानी चाहिए। अपना जिहड़ा गुरु नानक दा सिद्धांत है, अगर असीं गुरु नानक दा लंगर पहुंचा रहे हां ते गुरु नानक दे सिद्धांत, गुरु नानक दी सोच भी जिहड़ी सिद्धांत पहुंचाने भी जरूरी ने। मैं सिर्फ इसलिए गल की उह जरूर पहुंचानी चाहीदी है। बड़ी वधिया गल की गुरु नानक दी सोच, गुरु नानक दा सिद्धांत जो 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने शुरू किया सी, अज सिख कौम दे विच ओ हर जगह ते हर आपदा ते नजर आंदा है। और किथे किथे हरिंदर पाल जी ने बड़ी वधिया गल की कि ये जिहड़ा बूटा हैगा गुरु नानक साहब दा बूटा लगाया होया, अज पूरे संसार भर दे विच सिखां दी एक पहचान दा एक मुख कारण ओ भी किथे ना किथे आम संगत नूं नजर आंदा है। लंगर विचारां दा भी हो सकदा है, लंगर मेडिसिन्स दा भी हो सकदा है, लंगर कपड़ियां दा भी हो सकदा है, लंगर जो है एजुकेशन दा भी हो सकदा है, अचेतना दा भी हो सकदा है। तो उस लई मैं कह रहा कि सानू अज बड़ी जरूरत है कि कौमी विकास करन लई सानू इह हुंदा कि जिहड़े पुराने विचारां नूं अज 21वीं सेंचुरी च असीं विचर रहे हां, पुराने विचारां नूं नवें ढंग नाल किवें समझना है, इस गल दा बड़ा जरूरी है। पुरातन नूं नवीनतम करना है असीं, तो उस लई मैनूं लगदा कि बिल्कुल ठीक कि लंगर जिहड़ी जनरेशन है उसनूं लंगर, बिल्कुल ठीक गल आपने कही कि लंगर सिर्फ भोजन तक लंगर नहीं है, लंगर जेड़ा है गुरु दे सिख नूं जो गुरु नानक दा उपदेश है कि हर चीज दा हर अच्छी चीज दा लंगर जेड़ा हैगा वे भावे ओह गुरमत दे सिद्धांत होण, गुरु दी गल होवे, गुरबाणी दी गल होवे, विचारां दी सांझ होवे, ओह वी लंगर जेड़े ने नाल नाल जरूर लगने चाहीदे ने, तां कि जेड़ा हैगा वे जो दिख हैगी है सिख कौम दी, सिख कौम दी अपनी पहचान है ओह किथे ना होर प्रफुल्लित होवे और एक दुनिया दे विच चानन मुनारा बने। आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी फिर एपीसोड असीं नवी सांझ लैके आपणा फिर आपणे सामने आवांगे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह जी।